एवरीवन, कितने लोगों ने मुझे कहा कि आप प्लीज़ फोकस होके बनाइए सो दैट अच्छे से दिखाई दे कि कैसे हमने कुंजल किया है एंड कैमरा भी ऐसे फ्रंट पे रखो। तो आज मैं खुद ही अपने हाथ से ही कैमरा पकड़ के बना रही हूँ। सो आपको कैसा लगता है डू लेट मी नो एंड आई जस्ट पोस्ट इट आफ्टर मेकिंग इट। लाइव नहीं हो पाएगा बट आई एम डूइंग माई बेस्ट टू डू इट। तो हमने अपना ग्लास ले लिया है। अब ग्लास लेने के बाद आई हैव टेकन दिस बाउल, इसके अंदर नमक डालना है। आई विल जस्ट चेक। इसमें नमक नहीं है तो हम अभी नमक डाल रहे हैं। ये नमक लिया हमने, सो हमने नमक डाल दिया। ये देखिए, आई एम पुटिंग 2 चम्मच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट डाल के वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। सो अगर आप अच्छे से क्लीन करना चाहते हैं तो सॉल्ट को अच्छे से डालिए। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो ये मिक्स हो गया है। अब नाउ वी विल सिट डाउन एंड वी विल ड्रिंक इट। ओके, ये पीछे मेरा फ्रिज है। मैंने इसको वॉलपेपर लगा के पूरा ऑफ वाइट कर दिया एज पर वास्तु। आपको पता है ये बहुत अच्छा है। अगर आपको गैस्ट्रिक है, गैस प्रॉब्लम है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। हाय हाय, गोइंग पानी आ रहा है। सब जैसे आप लोगों ने बोला, मैं बिल्कुल इसको यहीं पे रखे हुए हैं। So you have to bear it with me. मैंने नेल्स काट लिए। Huh?
आपका टंग भी साफ होना चाहिए। अगर आपका टंग अच्छे से क्लीन है तो वो बहुत अच्छे से आपको गले को, आपकी सारी बीमारियों को दूर रखता है। सो दिस इज हाउ वी हैव डन। और जितना आपने पानी पिया थोड़ी बहुत देर तक वो ऐसे ही निकलता रहता है, सो प्लीज निकाल दीजिए। एंड आई एम श्योर ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अपने चाहने वालों को भेजिए, सब लोगों को हेल्थ की अवेयरनेस जरूर दीजिए, क्योंकि सफाई हमेशा बेटर है देन कि हम बीमारियों को ठीक करने के लिए दवाइयाँ खाएं। और जो मेरे को यहाँ पे इतना पेन था वो बिल्कुल ठीक हो गया है, जिसको मैंने अंदर से और नमक का पानी ले लेके गरारे करके कुंजल क्रिया करके यहाँ से दबा के क्लीन किया था। तो थोड़ी एक दो बार वहां ब्लड निकला था पर वो पूरा साफ हो गया, क्लीन हो गया, अब दर्द नहीं है। आपको मेरा जो गोवा का शूट था वो कैसा लगा? मैंने आगे थोड़ा सा एडिट करके इसमें ऐड किया है। डू लेट मी नो व्हाट डिड यू लाइक बेस्ट इन माय वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। मैंने बताया था ना जो एक चील होती है वो ऊंचा, इतना ऊंचा उड़ती है कि वो क्रो को कुछ नहीं कहती, पर वो इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच जाती है जहां क्रो नहीं पहुंच सकता। ऐसे ही कुछ लोग हमारी जिंदगी में भी होते हैं, हमें उनकी तरफ फोकस नहीं करना, वो हमें इंस्पायर करते हैं और ऊंचा उड़ने के लिए। सो अपने आप को और ऊंचा रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए और पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। Bye bye and thank you so much for increasing my family, and please share it with more and many people those who can join us.